शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन के बाद अब देश भर में दशहरा की धूम है। विजयदशमी पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। विजयदशमी का त्योहार बेहद खास माना जाता है। इसकी दो वजह है, पहला कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और दूसरा कि पापों का घड़ा भरने के बाद माता दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन एक खास पक्षी के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। आसान शब्दों में कहे तो ऐसा समझ लीजिए कि केवल एक चिड़िया के दर्शन से आपकी जिंदगी की सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं और इससे सुख समृद्धि का दरवाजा खुल जाएगा। ये पूरी जानकारी हमें देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल ने दी है। उन्होंने हमें इस खास पक्षी के साथ ही एक ऐसे उपाय के बारे में बताया। अगर आप ये उपाय विजयदशमी पर करते हैं तो आपकी बिगड़ी बन सकती है और आपके सारे काम पूरे हो सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि विजयदशमी या दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना बेहद शुभ होता है, पर आखिर क्यों? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। आपने ये सोचा होगा कि नीलकंठ चिड़िया के दर्शन और जीवन की समस्याओं का क्या कनेक्शन है, तो चलिए ये आपको सीधे ज्योतिषी से सुनाते हैं। विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। विजयादशमी को नीलकंठ दर्शन जिसको हो गया, समझिए पूरे वर्ष आपकी विजय होती रहेगी। इसलिए कोशिश करें विजयादशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन करें। अब एक खास बात और जान लीजिए, अगर आपको कहीं भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो निराश ना हो, हम आपको एक खास उपाय के बारे में बताते हैं जिसे दशहरा पर करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है ये जान लीजिए। अपराजिता पूजा होती है और राजा लोग सीमा का उल्लंघन करते हैं, विजय के लिए घर से निकलते हैं, तो कहीं भी कोई यात्रा में निकलने के लिए शुभ यात्रा होना चाहिए, शुभ दर्शन होना चाहिए। तो कहीं भी कोई यात्रा में जाने के लिए यदि नीलकंठ का दर्शन हो जाए, नीलकंठ पक्षी का, तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। तो विजय यात्रा के लिए जब हम निकलते हैं, अपराजिता माता की पूजा करके सीमा का उल्लंघन करने जब जाते हैं, राजा लोग जब लड़ाई करने के लिए जाते थे, तो उस समय नीलकंठ दर्शन जो है अत्यंत शुभ माना गया है। जैसा कि हमने बताया कि नवरात्रि समाप्त होते ही दशहरा मनाया जाता है, तो ऐसे में आपको दुर्गा मंदिर में जाना है और वहाँ पर माता को चढ़ाया गया अपराजिता का सफेद फूल दाहिने हाथ में बांधना है। आप उस फूल को घर भी ला सकते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि अपराजिता का फूल माता दुर्गा को बेहद प्रिय है। साथ ही देवी दुर्गा का एक नाम अपराजिता भी है, जिसका अर्थ है कि जो कभी पराजित ना हो। यदि नीलकंठ दर्शन नहीं हो सके तो किसी दुर्गा मंदिर में जाकर अपराजिता की जो पूजा होती है, अपराजिता तो पूजा किया हुआ अपराजिता आप अपने दाहिने बाजू में उसको बांध करके आप रखें, उस दिन तो नीलकंठ दर्शन का फल आपको मिल जाए। तो इस दशहरा इस खास उपाय को जरूर करें, इससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान निकलने लगेगा और आप टेंशन फ्री रह पाएंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।